मुझे लगता है हमें उसे बार बार पूछने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, उसे टाइम देना चाहिए ताकि वो प्रेशराइज फील ना करे, और जब उसका मन होगा उसे लगता है सब लोग उसे गलत समझ रहे हैं, क्लासमेट्स, स्कूलमेट्स, टीचर्स, यहाँ तक कि शायद हम भी। उसी मोड पे आ गए जहाँ 10 साल पहले थे, जब डुकू खुद को अकेला महसूस करता था। काश, लेकिन अनजाने में तब जो गलती हुई थी हमसे, उसे दोबारा तो नहीं करेंगे। हाँ नहीं, हम ऑर्डर सर, बोलिए एक्शन। अगर आपका और बच्चों का सपोर्ट नहीं होता तो हर सुख दुख में दूसरे के काम में। आपको याद है ना केप टाउन में जब आपने, आपको याद है केप टाउन? शेखर ने बोला हमारे एक विदेश के क्लाइंट हैं, मैं चाहता हूँ नैतिक तुम ही उनसे मीटिंग करो। फिर उसने बोला नमन के पास तो बहुत सारे काम। ये रो भी एक बिल्कुल नई जगह पे जाके, एक नए देश में जाके, वी आर सो प्राउड ऑफ। वैसे आप लोगों ने वहाँ केप टाउन में शुरुआत कैसे की थी? आई मीन कोई था वहाँ पे आपका कोई फ्रेंड या कोई जान पहचान का कोई रिलेटिव या कोई गॉडफादर? नहीं नक्श, कोई भी नहीं था, सब कुछ खुद ही किया। मैंने बोला आपके पापा ने बहुत मेहनत की आपकी, जब मेरे बाबूजी आए। अरे तू क्यों पूछ रहा है सब लल्ला, तेरे लिए तो सब कारोबार यहाँ पे जमा के रखा है हमने, तू बस अपनी पढ़ाई ख़त्म कर और इस कारोबार में लग जा, और लग जा मेहनत से, जैसे तेरे बाबूजी ने मेहनत की ना वैसे तू भी मेहनत करो और कारोबार को बहुत आगे तक लेके जाना। लक्ष्य तुमने इस बारे में अचानक से क्यों पूछा, तुम क्या करना चाहते हो? बस ऐसे ही क्यों पूछ नहीं सकता क्या? दादाजी आपने वो मिठाई टेस्ट की जो दादी ने बनाई थी, बहुत टेस्टी होगी, मैं अभी ले गया था एक मिनट। लक्ष्य रुको, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? मतलब कुछ भी तो नहीं, मैं समझा नहीं आप क्या पूछ रहे हैं। लक्ष्य देखो मैं जानता हूँ तुम अपनी मॉम के ज़्यादा क्लोज हो, सारी बातें उनसे ही शेयर करते हो, लेकिन तुमसे पूछने का हक मुझे भी उतना ही है। बताओ क्या बात है? देखो रक्ष, टालने की कोशिश मत करो, मैं जानता हूँ इतने सालों में कि कब तुम बात ऐसी पूछते हो और कब किसी मतलब से। देखो अगर तुम बताना नहीं चाहते ना तो फिर पता करने के और भी तरीके हैं। ओ मैं इतने में भाई, ये लो बेटा मिठाई खाओ, मैंने बच्चों के एडमिशन की। मैं बोल रहा हूँ
वापस निकाल के आने वाला भी ले रहे हैं ना, जो उसे पूछते हैं तो वापस ओके भागे। नायरा नायरा ये गलत बात है, ये क्या तरीका है? नायरा प्लीज दरवाजा खोलो, हमसे बात तो शेयर करो। भाभी माँ ने कुछ बोला है घर से? नायरा हेलो, मम्मा की बेटी, पापा की प्रिंसेस, भैया ठीक है, यहाँ से बोलना कि मैं क्या कर सकता हूँ। पीछे से आया जब भी सीधी उंगली से नहीं निकलता। रोलिंग एंड रोलिंग एक्शन। आया जब भी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर देनी चाहिए। वो शायद भूल गई कि वो मेरे कमरे में बैठी है। अरे खोल ले नक्श जी, अंदर से बाहर आना, दरवाजा बंद करना और कुछ भी नहीं करना। मुझे लगता है किला छोड़ देना चाहिए। दरवाजा बंद है, आप लोग सब देखेंगे दरवाजा। रोलिंग बोल क्या ना अच्छा थोड़ा सा राइट हो जाइए, वो आप लोग लगाएंगे। रोलिंग हां दरवाजा बंद करो, खोल गया ना। एंड सब लोग चिंतित थे, आपस में देख रहे थे। एक्शन, दरवाजा खुला। रुको क्या हुआ, क्या कुछ हुई, क्या कहा उसने? कुछ उसने कुछ कुछ भी नहीं कहा। हां नेक्स्ट थोड़ा आ जाओ, और आगे और आगे करेक्ट। रोलिंग एक्शन, कुछ कहा उसने? उसने कुछ भी नहीं कहा। मुझे लगता है उसको कोई देख लिया अकेले। यहाँ नायरा के लिए हम हैं ना, आप जाइए प्लीज, मीटिंग खत्म होते ही आ जाइए। आप निकले जी जी। भाभी बहुत दुख पहुँचाया उसके बहू दिव्या ने, बोला गलत इल्जाम लगा के उसे और दुखी कर दिया। अब उस इल्जाम को अब हम उस पर लगे इल्जाम गलत साबित कर रहे अब उस अब हम उस पर लगे इल्जाम को गलत साबित करेंगे। अब हम उस पर लगे इल्जाम को गलत कैसे साबित करें जब हमें पता ही नहीं असल में हुआ क्या है? नायरा कौन आया ना दीपिका जी? बाबू जी वो नायरा और जी मैं मीटिंग में नहीं आ पाऊंगा जी, जानता हूँ इम्पोर्टेंट है पर नायरा अभी को अभी मेरी जरूरत है। ये सीन हो गया सर। नेक्स्ट हाँ नक्श आ जाओ, मेरा रूम है, मुझे मालूम है क्या करना है। वो गया दरवाजा खुला उसने आया। रुको क्या हुआ, क्या कहा उसने, कुछ बात हुई? उसने कुछ नहीं कहा, मुझे लगता है हमें उसे कुछ समय के लिए अकेला छोड़ देना चाहिए। वही ठीक है लेकिन ऐसे कैसे मैं उसको? पापा शी इज फाइन। हाँ हाँ डुकू, हाँ हाँ नैतिक डुकू ठीक कह रहा है, अभी कुछ टाइम के लिए ना उसे अकेला छोड़ देते हैं, बाद में बात करेंगे ना। एक काम कीजिए, अभी आप ही मीटिंग के लिए चले जाइए। बाबूजी और नमन अकेले कैसे हैंडल कर पाएंगे, उन्हें आपकी जरूरत पड़ेगी।
यहाँ नायरा के पास हम हैं ना उसका ख्याल रखने के लिए। आप फटाफट मीटिंग खत्म करके वापस आ जाइएगा। पता तो होना चाहिए चार नंबर है डब है। ये मम्मा और ये पापा। नहीं नहीं मम्मा इधर आपके। मम्मा ये बिल्कुल लेफ्ट में आपके। ये मम्मा और वो पापा। बेटा उधर कहाँ से आ गए? ये वो वाला है जब एक्शन जब घी उंगली सीधे निशाने की तो उंगली कहीं पे पीछे का दरवाजा बंद करो ना। अरे इसलिए तो पीछे करो जा गया वो बोला बोल रहा था बंद करो। हाँ बंद किया बंद किया। रोलिंग रोलिंग जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर देनी चाहिए। पहले एक दो बार नायरा नायरा बोल देना बहन दीदी फलाना ढिमकाना। थोड़ा लेफ्ट में नायरा और लेफ्ट जाओ बस। और कुछ कुछ कैसे करोगे? पापा की प्रिंसेस मम्मा की पूरा लुके ये वाला ले लो लाइन लेना सर। नायरा पापा की प्रिंसेस मम्मा की बेटी भाई की जासूस दरवाजा खोल दे 007। जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर देनी चाहिए। वो शायद भूल रही है कि ये कमरा मेरा है। वो शायद भूल गई। वो शायद ये बात भूल गई कि वो मेरे कमरे में बैठी है। I know कि अंदर कैसे जा रहा है। ये भी बोल रहा है। रोलिंग हाँ। वो भूल गई है शायद वो भूल रही है कि मेरे कमरे कि वो मेरे कमरे में बैठी है। और मैं जानता हूँ and I know कि वो मेरे कमरे में बैठी है। शायद वो कि अंदर कैसे जाना। बहुत बढ़िया रोलिंग एक्शन। शायद वो भूल गई है कि वो मेरे कमरे में बैठी है। रानू तुम बोलना मम्मी को दादा बोलो। रोलिंग चाहे मम्मी है। बहुत बढ़िया रोलिंग एक्शन। शायद वो भूल गई है कि वो मेरे कमरे में बैठी है। रानू अंदर कैसे जाना है? क्या हुआ क्या बात हुई कुछ कहा उसने क्या? कुछ नहीं मम्मा मुझे लगता है कि हमें उसे अकेला छोड़ देना चाहिए। थोड़े टाइम में वो ठीक हो जाएगी। अरे ऐसे किसे मैं अकेला छोड़ूं उसको मैं? पापा शी इज फाइन। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहा है। हम बाद में उससे बात करते हैं। दरवाजा खुल गया देखो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं नितिन। हम बाद में उससे बात कर लेंगे। तब तक आप मीटिंग में हो आइए। वो भी इम्पोर्टेंट मीटिंग है। और आपके बिना बाबूजी और नमन कैसे हैंडल करेंगे? उसने नोट किया वो चला गया। ओके हमने मामा को देखा मम्मी शुड बी फाइन। शी विल बी फाइन। कट ओके एंड बढ़ाया हटो कहां पूजा जी तो आप ही आप कर रहे हो। सर देखकर सुपर सुपर रोलिंग ये आउट है ना एंड रोलिंग। ए बेटे नायरा पापा की प्रिंसेस मम्मा की बेटी भाई की जासूस अब तो दरवाजा खोल दे 007। आजकल तो मेरे कॉलेज की टेंशन चल रही है और साथ में नायरा के स्कूल की बहुत टेंशन चल रही है। तो अपना तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं सब कुछ कर लूँगा सब कुछ ठीक कर लूँगा। पढ़ाई लिखाई में मैं बहुत अच्छा हूँ। तो नायरा की मुझे ज़्यादा टेंशन हो रही है इस वक्त क्योंकि वो केप टाउन से सीधा 10 साल बाद यहाँ पर आई है। कभी पहले यहाँ पर रही नहीं तो उसे स्कूल में एडजस्ट करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। और उसे लोग फ्रेंड्स उसके वहाँ पर जो बने हैं वो ढंग से उसके साथ बिहेव नहीं कर रहे। उसके ज़्यादा अच्छे से फ्रेंड्स बन भी नहीं रहे हैं और उसको सब कुछ नया नया लग रहा है। वो अपने केप टाउन के फ्रेंड्स को मिस कर रही है वहाँ के स्कूल को मिस कर रही है तो बहुत रो रही है एक्चुअली। तो दरवाज़ा बंद करके वो बैठ गई है तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तो मुझे पता है पर वो मेरे कमरे में बैठ गई है तो मुझे पता है कि अपने कमरे में तो कैसे जाना है क्योंकि जब मैं बाहर रात को जाता हूँ घूमने फिरने के लिए तो पीछे से जाता हूँ। तो मैं वहीं से गया हूँ अंदर और मैंने बस नायरा को अभी बहुत उसको देखा उसको मनाया और उसको समझाया भी कि ये तो नॉर्मल चीज़ है। जब मैं केप टाउन में गया था तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। आई नो दिस फीलिंग
और बहुत मुश्किल सी, बहुत बुरा लगता है इस टाइम पे जब ऐसा होता है। और उसको मैंने समझाया पर वो कह रही है कि मुझे आई नीड माई टाइम, तो इसलिए मैंने बाहर आके अभी बस मम्मा पापा को ये बोला कि उसको थोड़ी देर के लिए हमें अकेला छोड़ देना चाहिए बिकॉज शी नीड्स हर टाइम। तो लेट्स सी, बाकी सब थोड़े टाइम में ठीक हो जाएगा। नए टाइम, नई जगह पर जाने में, एडजस्ट करने में टाइम तो लगता ही है। पापा की प्रिंसेस को पापा ने भी समझाया काफ़ी, मम्मा भी समझा रही है, तो अब क्या करने वाले हैं नक्श भैया अपने बहना प्रिंसेस के लिए? वही मैंने बताया कि अभी मैं अभी अंदर जब मैं गया तो पीछे से जब अपने कमरे में, तो वो मुझे भी अंदर नहीं जाने दे रही थी, पर मैंने उसको समझाया कि ये जो फीलिंग है मेरे साथ भी सेम हो चुका है। जब मैं केप टाउन में गया था तो मुझे भी एडजस्ट करने में बहुत टाइम लगा था, मेरे भी वहाँ पर नए फ्रेंड्स बने थे, संजू जब मेरी नई फ्रेंड बनी थी तो मेरी पहले उससे बहुत लड़ाई हुई थी, पर मेरी वो बेस्ट फ्रेंड बन गई, तो मैंने उसको ये एग्जांपल दिया तो वो थोड़ा सा शायद समझ जाएगी धीरे धीरे। कभी आपने रियल लाइफ में ऐसा किया है जैसे कि मतलब दरवाज़ा बंद पर बंद करके बैठ गया और अपने मम्मी पापा को सता रहे हो किसी की चीज़ के लिए? रियल लाइफ में तो ऐसे कभी ज़रूरत पड़ी नहीं, क्योंकि बस ऐसे ही मैं अच्छा ही था पढ़ाई में हमेशा, और मुझे ऐसे कभी ज़रूरत पड़ी नहीं। पर हाँ, कभी बंद करके बैठ जाते थे, पर पापा जब आते थे खोलने के लिए तो मुझे खोलना पड़ता था क्योंकि मैं उनसे बहुत डरता हूँ अभी भी, तो ऐसा कभी मुझे जरूरत नहीं होती थी कि अंदर बैठे रहो और डरा रहा हूँ सबको बाहर, ऐसा कभी नहीं। बात मनमानी हो अपनी, अगर फ्यूचर में कुछ करवा नहीं, वो सारी मेरी बातें ऐसी मान लेते हैं, बहुत अच्छे हैं। तो अच्छा, एक पार्ट में दिखाया कि इस घर के बच्चे थे काफ़ी समझदारी से काम ले रहे थे, लेकिन अभी थोड़ा सा फर्क तो दिख रहा है कि अभी ये रूट गई है, अब इतनी आसानी से तो मान नहीं है कि बताने के लिए तैयार नहीं कि क्या है, एक तरफ आपको भी लेके टेंशन है, तो फिर ये नायरा जैसे कि है तो सिर्फ है तो वो बच्ची ही ना, 10 साल की तो है सिर्फ, और छोटे बच्चे हैं इतना तो होता ही है, उसको अभी समझ भी नहीं है बहुत चीज़ों की। वो फ्रेंड्स बनाने की कोशिश कर रही है स्कूल में पर उसके बन नहीं रहे, उसको मैंने चॉकलेट्स का बॉक्स भी दिया था कि सबको एक एक देना और फ्रेंड बना लेना, पर लोगों ने उसे लिया नहीं, उसको NRI करके चढ़ा रहे हैं, तो ये चीज़ मुझे भी अच्छी नहीं लग रही। पर ये बहुत छोटी सी बात है, और हर जहाँ पर आप नई जगह पर जाते हो तो लोग आपको बुली करते हैं, जस्ट नहीं होने देते स्टार्टिंग में, पर धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है। और रही बात मेरी की, तो जब मैं अभी यहाँ पर कॉलेज में एडमिशन ले रहा हूँ और मुझे बिज़नेस स्टडीज़ करने का मन है, पर मैंने सिर्फ उसी का ही फॉर्म भरा, पर पापा ने मुझे कहा कि और कोर्सेज का भी भरना चाहिए था, और क्योंकि मुझे सिर्फ पढ़ना ही बिज़नेस स्टडीज़ है तो मैं सिर्फ वही भर के आया, और अभी बस एग्ज़ाम आने वाला है तो मुझे उसकी भी टेंशन हो रही है, क्योंकि जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो मैंने जब कैलकुलेट किया तो सिर्फ 42% उसकी कैलकुलेट होकर आई उसका रिजल्ट, तो मुझे वो भी डर लग रहा है कि शायद पास हो पाऊंगा कि नहीं, अगर नहीं कर पाया तो घर से तो डांट पड़ेगी ही पड़ेगी, साथ में मुझे मेरा साल भी बर्बाद हो जाएगा। तो लेट्स सी, कुछ ना कुछ तो पापा है वो कुछ ना कुछ करेंगे, लेट्स सी, शायद हेल्प करेंगे मुझे एडमिशन देने में, पैसे दे के एडमिशन दिलाएंगे कुछ तो करेंगे। मेरे पास दो ही सीन्स थे, एक सुबह ये नायरा को मनाया और अभी और एक सीन कौन सा था, दो ही सीन्स नहीं आज के लिए ख़त्म है मेरे। यही बस कॉलेज जाता हूँ, कॉलेज से आता हूँ, अभी मेरा कॉलेज शुरू हो चुका है एक्चुअली, आगे का स्टोरी ये है कि मुझे एडमिशन मिल गया। अच्छा, रियल लाइफ में यही कि अभी शादी का माहौल था, सब लोग इकट्ठे हो गए थे तो बहुत मज़ा आ रहा था, सब लोग यहाँ पर साथ साथ थे, पर अभी जैसे कि शादी ख़त्म हो गई है तो मेरा कॉलेज और नायरा के स्कूल पे स्टोरी जा रही है ज़्यादा, तो बस नॉर्मली जब सुबह उठ के आता हूँ तो यहाँ पर सेट पे ही रहता हूँ और फिर मतलब पूरा 9 to 9 शूट करता हूँ, चले जाता हूँ वापस। एक बार बात करना जरा,
एक गेट वाला माँ ने भी फोन किया था उसको, उसे भी कुछ नहीं बताया। नहीं नैतिक, माँ ने भी फोन किया था, उन्हें भी कुछ नहीं बताया नायरा। आपसे कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा, यक्ष को कुछ नहीं बताया, दादी नानी किसी से कुछ कह नहीं रही, तो फिर किसे बताएंगे? वही जो बचपन से लेकर आज तक उसका बेस्ट फ्रेंड आया, वही जिसे बचपन से लेकर आज तक सब कुछ शेयर कर दिया है, उसका बेस्ट फ्रेंड, उसका खास दोस्त। सर थोड़ा राइट में सर, ज़्यादा हो ज़्यादा हो बस सर। आपसे कुछ नहीं कहा, मुझसे नहीं, लक्ष्य को नहीं, दादी नानी से कुछ भी नहीं कहा, तो फिर किसे बताएगी? दे दीजिए उसको, अच्छा बढ़ाना, हाँ बढ़ाना, चलो रेडी रोल, ये दीजिए आप, रुको रुको रुको, देखिए दादा रेडी, वो बैठे रेडी, देखना रोल, रोलिंग एक्शन, हाँ दे आप कट, ओके हो गया, वेटर बिल लेके आया ना, सेकेंड टाइम बिल लेके आया ना, वो वाला बिल वाला, हाँ
एक बार ऑर्डर पे ले हुई थी, एक बार बिल कर ले। 75 का ऊपर वाला ऑर्डर का पैन आउट कर, ऊपर का 75। रेडी रेडी।